डीडवाना जिले के मौलासा थाना पुलिस ने गंभीर मारपीट के प्रकरण में कार्रवाई करते हुए दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस के द्वारा आरोपियों का 90 किलोमीटर तक पीछा कर दोनों आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। आरोपियों ने परिवादी की गाड़ी रुकवाकर उसके साथ मारपीट की थी, जिसके प्रकरण में पुलिस ने ये कार्रवाई की है। वीरेंद्र सिंह थानाधिकारी पुलिस थाना मौलासा में जाप्ता द्वारा प्रकरण संख्या 179 जुर्म धारा 110,115, 2, 126, 2, 352 पुलिस थाना मौलासा में त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी राजू व सुरेश का 90 किलोमीटर पीछा कर कड़ी मशक्कत से दस्तयाब किया जाकर बाद अनुसंधान गिरफ्तार किया गया। जानकारी अनुसार नंद किशोर उर्फ पप्पू ने थाना मौलासा पर रिपोर्ट पेश की कि मैं व जबर रेबारी मेरा भाई रमेश मेरी पिकअप से ढेर की धानी जा रहे थे, तब आरोपियों द्वारा अपनी पिकअप से पीछा करते हुए हमारी गाड़ी की साइड दबाकर आगे लगा दी। मुझे पिकअप से नीचे पटक कर लाठियों से वार किए तथा मारपीट कर मौके से फरार हो गए। मारपीट से मेरे पैरों में गंभीर चोटें आई है वगैरह रिपोर्ट पर अनुसंधान छोटूराम द्वारा शुरू किया गया और घटना की गंभीरता को देखते हुए सूचना मिलते ही वीरेंद्र सिंह थानाधिकारी पुलिस थाना मौलासमय जाप्ता अविलंब घटनास्थल पर पहुंचे। आसूचना संकलन कर आरोपियों की तलाश शुरू की गई। आसूचना से ज्ञात हुआ कि आरोपी पिकअप लेकर बुडिसू की तरफ गए हैं, जिस पर पुलिस चौकी बुडिसू के जाप्ता को घटना से अवगत करवाया गया। पुलिस टीम द्वारा ग्राम रसाल, कुचामन, डोडवाड़ी, भरनाई, भदलिया तक पीछा किया गया। करीब 90 किलोमीटर पीछा किया जाकर पुलिस चौकी बुडिसू जाप्ता की सहायता से आरोपी राजू व सुरेश को ग्राम बुडिसू से दस्तयाब किया जाकर बाद अनुसंधान गिरफ्तार किया गया।